हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला क्रिश्चियन स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट 25 करवा रहा हूँ सोशल साइंस की, क्लास 6 की, 30 सितंबर की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीक की सारी वर्कशीट बनाई जा चुकी हैं, असेसमेंट बनाई जा चुकी है। और आप किसी भी वीक की अगर वर्कशीट देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाके आराम से देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो वर्कशीट है ना 25, ये सिविक्स से रिलेटेड है, ठीक है, आपकी जो बुक है। और इसमें जो है ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताया गया है, तो फटाफट पढ़ते हैं इसे हम। देखिए क्या कहा गया, फटाफट पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ना इंडिया के बहुत महान जो लीडर रहे हैं। शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। और ये जो हम कहानी पढ़ेंगे ना, इसमें उन्होंने जो है कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है ना उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस जो है बताया है। आगे देखते हैं, विच टुक प्लेस इन 1901, जो इनके साथ कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था ना भेदभाव, वो 1901 में हुआ था। व्हेन ही वाज जस्ट 9 ईयर ओल्ड, जब वो सिर्फ 9 ईयर्स के थे, ही हैड गोन विद हिज ब्रदर्स, वो अपने भाइयों के साथ गए हुए थे, ठीक है, कजन्स के साथ गए थे, टू मीट हिज फादर, अपने पिताजी से मिलने के लिए गए थे। कहाँ पे गए थे, इन कोरेगांव में गए थे, विच इज नाउ इन महाराष्ट्र, और जो कि आज महाराष्ट्र के अंदर है। आगे देखिए क्या हुआ, बता रहे हैं अम्बेडकर जी, लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न अप। देखो ये ना स्टेशन पर जो है काफ़ी देर से जो है ना वेट कर रहे थे लेकिन कोई नहीं आया। एन आवर इलेप्ट, और एक घंटा बीत गया था। एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायर, और स्टेशन मास्टर जो है उनसे पूछने के लिए आ गए। ही आस्क्ड अस फॉर आवर टिकट, सबसे पहले तो उन्होंने टिकट्स मांगी। ही शोड देम टू हिम, सॉरी वी शॉक डैम टू हिम, हमने उसको दिखा दी। ही आस्क्ड अस व्हाई वी टैरेड, मतलब हम यहाँ पर क्यों ठहरे हुए हैं, ठीक है, क्यों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वी टोल्ड हिम दैट वी वर बाउंड फॉर कोरेगांव, हम जो है ना कोरेगांव जाना चाहते हैं। एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर फादर, और हम जो अपने फादर का या हिज सर्वेंट, मतलब हमारे पापा जी का जो नौकर है वो आ जाए और हमें यहाँ से आराम से ले जाए, हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं। But that neither had turned up and that we didn't know how to reach Koregaon. एक तो वो आए नहीं, दूसरा हमें पता नहीं कि Koregaon कहाँ है, हमें वहाँ कैसे पहुँचना है। We were well dressed children, हमने बहुत अच्छे से बिल्कुल सही से कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। From our dress or talk, हमारे ड्रेस से या हमारी बातचीत से, no one could make out that we were children of द अनटचेबल्स, ये कह रहा है कि हमारी बातचीत से या हमारे कपड़ों से कोई भी नहीं कह सकता था कि हम अछूतों से बिलोंग करते हैं, अनटचेबल से बिलोंग करते हैं। इनडीड द स्टेशन मास्टर वाज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रन, और यहाँ तक कि जो स्टेशन मास्टर था वो भी यही सोच रहा था कि हम ब्राह्मण चिल्ड्रन हैं, ठीक है। एंड वाज एग्जैक्टली टच एट द प्लाइट इन विच ही फाउंड, ठीक है, और बिल्कुल मतलब उसे पूरा विश्वास है, ठीक है। और देखिए इसका मीनिंग क्या है, एट द प्लाइट इन विच ही फाउंड, मतलब जैसे हमने अपना दर्द बताया तो वो उससे एकदम परेशान हो गए, ठीक है। एज यूजुअल अमंग द हिंदूज, और हिंदूज में जैसा कि होता है एक दूसरे के प्रति जो है, ठीक है, किस प्रकार से एक दूसरे की परवाह जैसी होती है वैसे ही। लेकिन फिर क्या हुआ, द स्टेशन मास्टर आस्क्ड, स्टेशन मास्टर पूछा अस हु वी वर, कि हम कौन हैं। विदाउट अ मोमेंट, बिना क्षण रुके थॉट, बिना कुछ सोचे, ठीक है, आई ब्लर्टेड आउट दैट वी वर महार्स, और मैं फटाफट बोल पड़ा, ठीक है, कि मैं हम जो है महार्स हैं। पता है महार जो है ना बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर अनटचेबल जो है माना जाता था, कि ये जो कम्युनिटी है अनटचेबल है, इनको छूना नहीं है, इस तरीके से था। और जब उन्हें पता चला ना, ही वॉज स्टंड, एकदम स्टंड हो गए, चकित हो गए, अरे ये क्या हो गया। उनका फेस जो है ना अंडरवेंट ए सडन चेंज, और पूरी तरह से एक घृणा के अंदर हुआ अंदर मन में, और पूरा चेंज हो गया स्टेशन मास्टर का। और वी कुड सी दैट, हम देख सकते थे, ही वॉज ओवरपावर्ड बाय स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्शन, ठीक है ना, एक स्ट्रेंज फीलिंग उनके अंदर रिपल्शन की आई थी, घृणा की, कि वे अंदर जो है मुझे क्या है, मतलब मुझे इनके साथ नहीं रहना, इस तरीके से भाव था। और एज सून एज हियर्ड माई रिप्लाई, जब उन्होंने मेरा रिप्लाई सुना, ही वेंट अवे टू हिज रूम, और वो अपने रूम में चले गए। एंड वी स्टूड वेयर वी वर, अब हमारी केयर करने वाला कोई नहीं था, ठीक है, अब हम अकेले थे वहाँ पर। 15 to 20
लेफ्ट और 15 से 20 मिनट है वो बीत गए। द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग, जो सूरज है वो ढल ही रहा था। आवर फादर हैड नॉट टर्न अप, जो हमारे पिताजी हैं वो अभी तक नहीं आए थे, ना ही उन्होंने अपना नौकर भेजा था। अब जो स्टेशन मास्टर है, ठीक है, उसके बाद आगे क्या हुआ स्टेशन मास्टर के बारे में देखते हैं। हर आल्सो लेफ्ट अस, और स्टेशन मास्टर ने भी उसको छोड़ दिया था, वो भी नहीं थे। अब हम जो है थोड़े बिवेल्डर्ड हो गए, घबराने लग गए कि भाई क्या होगा हमारा। देखो, और एंड द जॉय एंड हैप्पीनेस विच वी फेल्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी गेव वे टू फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस। ये कह रहा है कि ना जो जॉय और जो हैप्पीनेस है ना, जो जॉय और हैप्पीनेस है वो हम बहुत खुश थे, हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि इसलिए कि भाई इतने ज़रा हम जर्नी करके आ रहे हैं, लेकिन सारी की सारी जो जर्नी है वो किसमें बदल गई, दुख में बदल गई। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी बात जो हो गई है ना, हमें अकेले रह रहे और हमारे घर से भी हमें कोई लेने भी नहीं आया। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर वापस आए एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज टू डू, कि भाई तुम क्या करोगे बताओ। हमने बोला कि इफ़ वी कुड गेट अ ब्लॉक कार्ड, अगर हमें एक ब्लॉक कार्ड किराए पर मिल जाए, ठीक है, तो वी वुड गो टू कोरेगांव, कोरेगांव चले जाएंगे, ठीक है। इफ इट वॉज नॉट वेरी फार, अगर वो ज़्यादा दूर नहीं है तो वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट वे, ठीक है, और फिर हम इस तरीके से निकल जाएंगे। देर वर मैनी, वहाँ बहुत सारे ब्लॉक कार्ड थे, ठीक है, प्लाइंग फॉर हेयर, मतलब हायर किराए पर आराम से मिल रहे थे, हायर मतलब किराए पर मिल रहे थे, ठीक है। जैसे आप किराया भर करके तो किसी जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो ऑटो पर जा रहे हो, तो ये तो आप उस आपको हायर पर मिल रहे हैं, किराए पर मिल रहे हैं इस तरीके से। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर डेट वी वर महार, क्योंकि उन्होंने जब आंसर में बता दिया था ना कि हम महार जाति से हैं और ये हर जगह बात फैल गई थी, तो कोई भी जो कार्ट का जो आदमी था ना, वो अपनी गाड़ी में उनको बिठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर ये बैठेंगे ना पोल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगी इनकी जो कार्ट है, गाड़ी है, ठीक है, तो ये अनटचेबल है ना, तो हम इनको नहीं जो है ना बिठाएंगे। तो वी वर, और पता है हमने कहा डबल किराया ले लो डबल, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब बिठाया नहीं, मना कर दिया। तो अब देखिए ये दो क्वेश्चन है, पहला है डिस्पाइट द चिल्ड्रन ऑफरिंग मनी द क्राफ्ट मैन रिफ्यूज दैम वाई, देखो बच्चे जो है वो पैसे देने के लिए तैयार थे है ना, लेकिन फिर भी क्राफ्ट जो कार्टमैन है, सॉरी मैंने क्राफ्टमैन बोल दिया था पहले, कार्टमैन है, ठीक है, तो कार्टमैन जो है ना जो गाड़ी है, ठीक है, उस गाड़ी वाले आदमी ने मना क्यों कर दिया। अब आप इसका आंसर देखिए, देखिए आप आंसर लिखेंगे द चिल्ड्रन वर रेडी टू पे येट द कार्टमैन रिफ्यूज टू टेक दैम बिकॉज द चिल्ड्रन बिलोंग टू महार कास्ट, जो बच्चे हैं ना वो महार कास्ट से बिलोंग करते थे, इसलिए जो है कार्टमैन ने मना कर दिया। लेकिन आप बड़ा आंसर लिखना, ठीक है, ठीक है, क्योंकि और भी आपको बताना पड़ेगा। एंड देयर वर, और यहाँ पे बताया ब्रैकेट में कि जो महार है ना वो एक ऐसी कम्युनिटी है जो उस समय अनटचेबल जो है कही जाती थी मुंबई के प्रोविंस में, मतलब जहाँ पर, क्योंकि ये जो है ना, मतलब जो मुंबई का जो प्रांत था ना, प्रोविंस ऑफ मुंबई, तो वहाँ पर जो है इसको अनटचेबल माना जाता था। एंड देयर वर मैनी ब्लॉक कार्ड्स, वहाँ बहुत सारे ब्लॉक कार्ड्स थे रनिंग नियर द स्टेशन, जो स्टेशन के आसपास जा रहे थे। Everyone there came to know that these children belong to the untouchable class. और सबको पता लग गया कि ये untouchable class से हैं, ठीक है। No one wanted to make themselves dirty and degraded by taking them on the cart. और कोई भी जो है ना उनको अपनी गाड़ी में बिठाना नहीं चाहता था कि भाई इससे डर्टी ना हो जाए, गंदी ना हो जाए, डिग्रेडेड ना हो जाए, ठीक है। तो यही था, इसलिए जो है ना, इसलिए जो है जो कार्टमैन है उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है, रिफ्यूज़ कर दिया बिठाने से, ठीक है, कि भाई डर्टी ना हो जाए, डिग्रेडेड ना हो जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, अब आप दूसरा देखिए फटाफट। तो दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड पीपल एट द स्टेशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट डॉक्टर अम्बेडकर एंड हिज ब्रदर्स, ये कह रहे हैं कि क्या हुआ था, क्या भेदभाव दिखाया गया। अब हम आंसर पढ़ लेते हैं फटाफट, ताकि हमें अच्छे से एक एक चीज़ पता लग जाए। आप ये पूरा आंसर करेंगे, दो ही क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट देखते हैं। पीपल एट द स्टेशन मिस बिहेव विद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड हिज ब्रदर्स, जो स्टेशन पर जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, मिस बिहेव करा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और उनके भाइयों के साथ। द स्टेशन मास्टर केम टू नो, जब स्टेशन मास्टर को पता चल गया
कि जो अम्बेडकर जी है उसके जो भाई हैं वो महार कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो महार का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मुंबई के अंदर जो है इस कम्युनिटी को अनटचेबल कहा जाता था, ठीक है। तो देन देयर वॉज अ चेंज इन हिज बिहेवियर, तो उनके बिहेवियर में चेंज आ गया और उन्होंने क्या करा, रूम के अंदर जाना ज़्यादा अच्छा समझा बच्चों की मदद करने की जगह, ठीक है। और देखो बच्चे अकेले थे, उनके पेरेंट्स भी नहीं थे, है ना, हेल्प करनी चाहिए थी ना, तो नहीं करी। द पीपल ड्राइविंग द कार्स, जो पीपल कार चला रहे थे उन्होंने भी जो है उसको बैठने नहीं दिया, ठीक है, अपनी कार में, ठीक है। और इस तरीके से ही हैड टू फेस लॉट ऑफ ट्रबल, ठीक है। और ही की जगह यहाँ पर आप दे कर लेना, क्योंकि वो अम्बेडकर जी उनके ब्रदर दोनों हैं, ठीक है, दे कर लेना, ठीक है। ही की जगह दे लिखेंगे, TH EY, ओके। अगर ही लिख भी दिया कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, अगर जिसने देख लिया है, जिसको मैंने बता दिया, तो आप जरूर दे लिखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से ऊपर के जो डिस्क्रिप्शन हमने किया है, हम कह सकते हैं कि अम्बेडकर जी और जो ब्रदर जो उनके हैं वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटेड हुए थे, भेदभाव हुआ था स्टेशन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पूरी वर्कशीट हो गई है और होप आपको समझ अच्छे से आ गई होगी। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ये ना यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, ओके। तो वीडियो को जो है जितना हो सके आप शेयर करना चाहिए कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।